प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। यूपी में काबा को लेकर भी बड़ा चर्चा चल रहा है, तो हम सर से शुरू करेंगे। सर, यूपी में काबा आपसे बात करते हैं। यूपी में गंगा जी में लाश हुआ, यूपी में योगी जी के राज में ब्राह्मण बैकवर्ड पिछड़ा दलित के ऊपर बुलडोजर चढ़ावे का काम हुआ, पिछड़ का हिस्सा लूटे का काम हुआ। योगी जी के राज में इससे बड़ा कोई काम रहेगा? जिधर देखा उधर पिछड़न दलित अल्पसंख्यक और ब्राह्मण के ऊपर बहुत अच्छे अत्याचार का, इसके अलावा कोई काम नहीं। योगी ने ट्वीट किया कि एक बार फिर सर्वनाथ आ गया तैयार थे। मोदी जी तो खुद पैदल कर दिए उनको। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन में मोदी जी ने उनको पैदल कर दिया और मोदी जी ने गाना गाया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। प्रधानमंत्री बना जाता हूं, इंडिया टुडे पत्रिका में और टाइम्स पत्रिका में अपनी लोकप्रियता छपवाए थे। बोला कि डाटे सब दिल्ली चिमड़ गए, उसके बाद टिकट मांगत रहे मथुरा काशी अयोध्या, झटक दिए कि जाओ कोई मठ में, अब वहां से नहीं उबरना। काल अपने चक्कर में रहे, जब देखिए किसी की विदाई का टाइम आता है तो पूरा परिवार टूटता है। देखिए अपर्णा यादव पहुंच गई नहीं 10 मार्च के विदाई का टाइम पर, रोहे बदे चाहिए ना कोई के विदाई होता पहुंच गई रहे अपर्णा रोहे बदे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप लोग स्वयं मौर्य और बाकी सबको ज्वाइन कराते रहे, बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के बड़े लीडर हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट पर 10-20-25-50 हजार वोट दिलाने की कुवत है। अपना एक वोट अपन लेके गई नहीं भैया की रोवे। इधर समाज के 10 बजे जब बाजा बजी चल सन्यासी मंदिर में, प्रमाणित हो गया
कारण है कि हमने लूटा था, बड़ी पारदर्शिता चिल्लाता रहा कहा होगा हमने जूता निकाल के अपने सर पे मारने लगा। ये लूटने वाले लोग हैं, पिछड़े दलित का हिस्सा लूटने वाले हैं, आरक्षण खत्म करने वाले लोग हैं, संविधान खत्म करने वाले लोग हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर जुल जाती अत्याचार करने वाले लोग हैं, पिछड़े समाज के डिप्टी सीएम को स्टूल पर बैठा करके पूरे पिछड़ों को बेइज्जत करते हैं, पिछड़े समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते फाइबर की कुर्सी पर बैठाते हैं योगी और अपने सोफा पर बैठते अपने लोगों को लेके पिछड़ों की बेइज्जती करते हैं। जाए वोट मान है खोजा तमा कुल कुल भी कोई नहीं यावा तो हमें स्टूल दे दे तुम आप यावा तू जो जस करनी हो सब होकर विधाता नरक जात का है पछताता। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें बहुत सारे इशू उठाए उन्होंने किसानों के बेरोजगारों के। देखिए कागज में लिखना अलग बात है, धरातल पे जनता कांग्रेस और बसपा को नोटिस तो ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों जातिवाद जनगणना से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव जी 6 महीने में जातिवाद जनगणना, बिजली का घरेलू बिल माफ करने के लिए भाजपा भाग रही है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि शपथ लेते ही 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 5 साल योगी की सरकार थी, अन्ना पशु जो किसानों का नुकसान कर रहा है, इनका ललका सांड, कोई योजना ठोस नहीं बना पाए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम किसानों को योगी मोदी के ललका सांड से निजात दिलाएंगे। कल परसों प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे सरकार बना के, और देखिएगा कल परसों में फिर प्रेस वार्ता होने जा रही है। जो पुलिस विभाग अपने तनख्वाह से रिचार्ज कराते थे और जनता काम करते थे, 250 रुपया उनको महीना रिचार्ज, बॉर्डर सीमा खत्म, वर्दी का भत्ता जो उनको 1,000 बढ़ेगा, उसके बाद जो साइकिल अलाउंस दिया जाता है अब मोटरसाइकिल अलाउंस बढ़ा करके दिया जाएगा, ये घोषणा होने जा रही है। जो काम अखिलेश कर रहे हैं पढ़े लिखे हैं, ये नहीं कि नहीं नहीं कि डिग्री आके दिखावे क्योंकि मोदी जी इतना पढ़ ले हुए यहाँ से, स्मृति ईरानी इतना पढ़ ले हैं यहाँ से, चिट्ठी ना निकालो के वो सर्टिफिकेट पहले से बना के पढ़ के आ जाए। कांग्रेस जो महिलाओं के लिए करके एक प्लान लेके चल रही है कोई असर? देखिए संगठन का धरातल पे न होना ये कांग्रेस के लिए खतरा है, और बहुजन समाज पार्टी से नेताओं का पलायन और अकेले चुनाव लड़ना बहुजन समाज पार्टी के लिए घातक है। जब मोदी जी 50 दलों को मिला के चुनाव लड़ सकते हैं, सारे प्रदेश में वो गठबंधन कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी अकेला तो है, बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं दे रही है। लेकिन वो तो सरकार बनाने के बाद दावा करेंगे आज, आप देखिएगा आप भी रहेंगे हम भी रहेंगे, 10 मार्च को जब गिनती होगी तो जितना बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मिला के जीती है उतना अकेले ओम प्रकाश राजभर जीती है, अकेले वो रिजल्ट आएगा। देखिएगा ना कहा सरकार बने हैं, अरे अखिलेश जी शपथ 10 तारीख के देखिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार, बाजा बजेगा कि जल सन्यासी मंदिर में बाजा बजेगा, देखिएगा ना तब तक रह जाएगा। अच्छा ही बताओ भाई के घरे बहन आई तो रोई है, जब बहन की विदाई हुई तब न रोई है, भैया की विदाई हुई तब न बहन रोई है, पहले रोई है। ये बतावा कि अपना अछूत के घरे से गई है ना, योगी जी जब मुख्यमंत्री का शपथ लिए अखिलेश यादव पिछड़ी जाति के थे अछूत थे, तो मुख्यमंत्री आवास गंगाधर से धोवा बन गई पांडा के, तुमने जल से धो ले मत बताना है ना, हमने जल से धोला तुमने भाई बताओ, अब पवित्र हो गए भाजपा इसका अब पांडा के ले जाके नहीं बताना कि कौन जल से धोली बेटे, जब तक न बताइए तब तक आप पवित्र रहिए, आप पवित्र के कोई छिपा ना जाना ला काले से बाहर निकाल देना, वही सब भाजपा का हाल हुई अब पांडा के लेकिन अछूत हो गई है, उत्तर प्रदेश की जनता जान के लिए अछूत है, मैंने छूगा मत नहीं हम अछूत हो जाए। बाकी 22% क्लियर है 100% सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, महंगाई से भ्रष्टाचार से बेरोजगारी से पिछड़ों के साथ जो अन्याय
न्याय हुआ, जो हिस्सा टूटा गया है, पिछड़े मन बनाया है, दलितों का पिछड़ों का जो आरक्षण भाजपा खत्म कर रही है उसको बचाने के लिए सब लोग, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, सारे लोग अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं और सरकार को बहुमत की आ गई है। देखिए राजभर जी का साफ दावा है कि समाजवादी गठबंधन पूर्ण मनोज की सरकार बनाने जा रहा है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।